अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के बैनर तले जिला इकाई ने सोमवार को एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट शीघ्र लागू करने की मांग को लेकर जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। अधिवक्ता मंच के संभागीय प्रवक्ता ने बताया कि पूरे प्रदेश में अधिवक्ताओं के ऊपर जानलेवा हमले हो रहे हैं और अधिवक्ताओं को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। छतरपुर जिले में भी कई अधिवक्ताओं के साथ आपराधिक वारदातें हो चुकी हैं, जिसके मद्देनजर अधिवक्ताओं की सुरक्षा हेतु एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना आवश्यक है। इसी मांग को लेकर यह ज्ञापन सौंपा गया है। आज हमारे संयुक्त अधिवक्ता मंच के द्वारा मुख्यमंत्री महोदय के नाम से ज्ञापन कलेक्टर महोदय को दिया गया है, जिसमें यह मांग रखी गई है कि प्रोटेक्शन एक्ट शीघ्र लागू किया जाए। कई बार हमारे द्वारा ज्ञापन दिए जा चुके हैं, पत्र द्वारा हमें ये जानकारी भी दी गई कि प्रोटेक्शन एक्ट प्रक्रिया अधीन है, प्रक्रिया में चल, लेकिन अभी तक प्रक्रिया पूर्ण क्यों नहीं हो रही है, क्यों लागू नहीं किया जा रहा है। इस कारण से हमारे अधिवक्ता आए दिन भयभीत रहते हैं और भय में रह करके ही काम कर पा रहे हैं, उनमें असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो गई है। और यदि प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं किया गया तो हम लोग और बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे और ज्ञापन भी देंगे। पूरे भारतवर्ष में निरंतर अधिवक्ताओं पर हमले हो रहे हैं, निरंतर अपराधिक घटनाएं घटित हो रही है, अधिवक्ताओं के साथ कोई सुरक्षा नहीं है अधिवक्ताओं की, और राज्य सरकार बिल्कुल पूरी तरीके से जो है असुरक्षित रूप से कार्य कर रही है, ठीक है ना। तो हम लोग पूरे भारतवर्ष में अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच क्रमशः जिले तहसील स्तर पर ज्ञापन दे रही है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए, कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए और अधिवक्ताओं को सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि अपने आप में आज अधिवक्ता अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। जो हम लोगों ने लगातार हम लोग 2-4 महीने में ज्ञापन देते रहते हैं और पूरे भारतवर्ष में निरंतर बड़ा व्यापक स्तर पर अधिवक्ताओं के हितार्थ अपना मंच है और व्यापक स्तर पर नियमित रूप से ज्ञापन दिए जाने का कार्य जारी है। अब राज्य शासन की निरंकुशता है, राज्य शासन निरंकुश इसलिए अधिवक्ताओं के हित में काम नहीं कर रहा है। जो एक अधिवक्ता किसी व्यक्ति को सजा के अंतिम पायदान तक ले जाता है वो असुरक्षित है, ठीक है ना। और जो जज सीट पर बैठ के आदेश करता है वो सुरक्षित है, उसको उसके पूरी सुरक्षा प्रदान की गई है, जबकि हम लोगों को सुरक्षा प्रदान नहीं की गई। हमें कोई भी कहीं भी मार दे, कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उनको पूरा प्रोटेक्शन है, हम लोगों को कोई प्रोटेक्शन नहीं है।